उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और शेखर हॉस्पिटल को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बदलने के लिए अमेरिका और भारत स्थित अग्रणी हॉस्पेक्स हेल्थ केयर बिजनेस कंसल्टेंसी के साथ समझौता किया गया। इसके अलावा 12 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जहां पर अगले 2 वर्ष में 1500 बेड की व्यवस्था दी जाएगी। ये जानकारी आयुर्विज्ञान के संस्थान के डॉक्टर राजशेखर सचान ने लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। और डॉक्टर राजशेखर ने बताया है कि यूपी एचआईएमएस सफेदाबाद और अटारिया परिसरों में 200 बिस्तरों वाले डायलिसिस केंद्र स्थापित करने के लिए हिंदू आयुर्विज्ञान संस्थान और मेडलाइफ प्राइवेट लिमिटेड के बीच बिजनेस की घोषणा हुई। इस मौके पर विभिन्न अस्पतालों व आयुर्विज्ञान संस्थान के सीईओ व निदेशक मौजूद रहे। दूरदर्शी सोच कल उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल शिक्षा और ट्रीटमेंट को एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने में सक्षम होगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और आज मेरा स्वरूप आप सबके सामने है। आज सौभाग्य है कि डॉक्टर सचान जी के संकल्प के सुपरिणाम से शेखर हॉस्पिटल और हिंद कॉलेज एक नए कॉर्पोरेट ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं। ये इवेंट है अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेखर हॉस्पिटल एंड हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एट बाराबंकी एंड सीतापुर रोड। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये अनाउंस किया है कि हम 3 कंपनीज के साथ टाई अप कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। इसमें से फर्स्ट कंपनी है हॉस्पैक्स हेल्थ केयर बिजनेस कंसल्टेंसी विच हैज बिन ऑपरेटिंग एंड रनिंग मोर देन 150 हॉस्पिटल्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन मेनी इंटरनेशनल कंट्रीज। They are going to help us transform our institutes. Our second company is American Oncology, which is owned by Siemens and Varian, which is the largest company in the world to provide oncology and cancer treatment. Third company is Vitus Healthcare, jo dialysis services provide karti hai, and wo humko help kar rahe hai to set up the largest dialysis center in the state of Uttar Pradesh. And this treatment will be provided free of cost under the Ayushman Bharat scheme. And other treatments that we plan to bring in the future include neurology, neurosurgery, orthopedics, knee replacement, arthroscopy, mother and child care, elderly care, and these announcements will be revealed to the public in the coming months.